वेक्टर एनालिसिस में एक टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसे देखते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डेल फाई डॉट ऑफ एन कैप, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं डेल फाई के साथ। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द रेट एट विच एनी फंक्शन चेंजेज एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अब एक क्वेश्चन की मदद से इसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकालना सीखते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर एट टू माइनस वन वन इन द डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें निकालना है, ये क्या होती है? डेल फाई डॉट ऑफ एन कैप। डेल फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई की वैल्यू यहाँ डेल एफ बोल सकते हैं या डेल फाई। तो फाई क्या है? एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर। डेल फाई क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई आई कैप, इसे एक्स के साथ करेंगे पूरे को, क्या आ जाएगा? वाई कैप वाई क्यूब प्लस जे कैप, इसे वाई के साथ डिफ्रेंशिएट, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? थ्री वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप। के कैप डेवर बाई डाइवर्जेंट करेंगे, क्या आ जाएगा? टू वाई जेड। और हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो डेल फाई एट पॉइंट टू माइनस वन वन वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे टू माइनस वन और वन ये पॉइंट को रखते हैं तो ये माइनस आई कैप आ जाएगा प्लस जे कैप, इसमें देखते हैं अगर तो माइनस वन ये प्लस वन हो गया और टू आ गया तो ये सिक्स प्लस वन सेवन आ गया प्लस के कैप टू आई जेड यानी माइनस टू। हमें डेल फाई और एन कैप की वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी। डेल फाई क्या है? माइनस आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस टू के कैप डॉट एन कैप क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालें तो क्या होगी? एन कैप इज इक्वल टू किसी वेक्टर की डायरेक्शन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर निकालें, यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का क्या हो जाएगा? चार नौ, नौ चार तेरह एक चौदह, रूट फोर्टीन। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? एन कैप, एन कैप क्या है? आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप डिवाइड बाई रूट ऑफ फोर्टीन। डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ तो माइनस वन प्लस फोर्टीन माइनस सिक्स डिवाइड बाई रूट फोर्टीन, तो यहाँ क्या आ गया? सेवन बाई रूट फोर्टीन। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो रूट सेवन बाई टू। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या मिला? एक स्केलर फंक्शन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें एफ का निकालना है, ये फंक्शन है एट पॉइंट वन कॉमा वन कॉमा वन इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन दिस एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई माइनस टू इज इक्वल टू जेड बाई वन। तो यहाँ फाई क्या है? फाई या एफ वो हो गया फाइव एक्स स्क्वायर वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर जेड प्लस फाइव बाई टू जेड स्क्वायर एक्स। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डेल फाई इंटू डॉट ऑफ एन कैप। तो डेल फाई पहले निकालना होगा, डेल फाई क्या होगा? आई कैप यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई आई कैप डेवर बाई डेवर एक्स इसका पूरे का, तो कितना आ जाएगा? टेन एक्स वाई
और इधर से क्या आ जाएगा, 5/2, तो 5/2 जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेवर बाई डेवर वाई। इस पूरे काम है वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, तो क्या होगा 5x² -10yz और इसका तो जीरो आ जाएगा, प्लस के कैप डेवर बाई डेवर जेड। इसको पूरे को हमें क्या करना होगा, फाई को जेड के में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये तो जीरो आ गया, ये क्या आएगा -5y² प्लस का, यहाँ 2z आएगा तो 2 का कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा 5zx। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना, एट पॉइंट 1,1,1, तो डेल फाई एट 1,1,1, ये क्या हो जाएगा, ये 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा 25/2 इंटू आई कैप। इसी तरीके इसमें क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 -10, माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या -5 + 5, तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 के कैप। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, डेल फाई एन कैप, एन कैप क्या हो जाएगा हमें इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन दिस। तो इस लाइन की अगर डायरेक्शन हम निकालें तो वो क्या हो जाएगी, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये एक वेक्टर बन जाएगा 2i कैप -2j कैप प्लस के कैप। इस वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वही इस लाइन की डायरेक्शन होगी, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो ये क्या आ जाएगा 4, 4, 8, 1, 9 यानी 3। अब ये क्या डेल फाई डॉट एन कैप, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे आई को आई के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 25/3 और यहाँ पे प्लस 10/3 और 0 वाला तो 0 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 35/3। यही हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा।